अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नाम क्या था? और क्या आपको पता है कौन सी फ़र्ज नमाज है जिसकी कज़ा नहीं? ऐसे ही सवालों के जवाब जानेंगे आप इस वीडियो में। सवाल नंबर 10, क्या आप जानते हैं हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नाम क्या था? सही जवाब है अबुल कासम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। सवाल नंबर 9, कौन सी फ़र्ज नमाज है जिसकी कज़ा नहीं? सही जवाब है नमाज जनाजा। जी हाँ नाज़रीन, नमाज जनाजा एक फ़र्ज कफाया है और इसकी कज़ा नहीं होती। सवाल नंबर 8, किस वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है? सही जवाब है हराम काम करते हुए यानी शराब पीते हुए और जुआ खेलते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है। सवाल नंबर 7, वो कौन सी नेमत है जो अल्लाह ताला ने सिर्फ आखिरी उम्मत यानी उम्मत मुस्लिमा को अता की? सही जवाब है नमाज पंजगाना। सवाल नंबर 6, उस जगह का नाम बताएं जहां जाने के बाद हर कोई पछताता है। सही जवाब है कब्रिस्तान। सवाल नंबर 5, रहमत का शहर किस शहर को कहा गया है? सही जवाब है मक्का मुकरमा को। सवाल नंबर 4, वो कौन सा जानवर है जिसका गोश्त खाना हलाल है लेकिन उस जानवर को बेचना हराम है? सही जवाब है कुर्बानी का जानवर। सवाल नंबर 3, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज और उम्रे किए? सही जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मरतबा उम्रा और 1 मरतबा हज किया। सवाल नंबर 2, किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आई? सही जवाब है सूरतुल नमल। सवाल नंबर 1, मक्की और मदनी सूरतों की तादाद बताएं। सही जवाब है कुरान पाक में 86 मक्की और 28 मदनी सूरतें हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।